Hey guys, this is Sumit for Saptic After Effect and welcome back to my channel. Friends, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं फ्रेंड्स. हमारे शहर में तो खैर खास करके सर्दियाँ बहुत बड़ी हुई है. आप देख रहे हैं मैं बंद कमरे में भी मतलब इधर टोपी और जैकेट में हूँ क्योंकि सर्दियाँ सच में बहुत बड़ी हुई है हमारे शहर में. तो आज फ्रेंड मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और जिसमें कि मैं आपको चैनल का इंट्रो बनाना सिखाऊंगा. फ्रेंड ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है. आजकल हर प्रोफेशनल वीडियो के स्टार्टिंग में 5 सेकंड या 6 सेकंड का एक इंट्रो तो होता ही होता है अपने चैनल के नेम से. तो हम उसको आफ्टर इफेक्ट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम है ये. तो मुझे बताने में थोड़ा आपको 15 मिनट 12 मिनट लग सकता है. तो कोई ये कमेंट ना कीजिए कि काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि फ्रेंड आप लोग जानते हो कि मैं किसी भी चीज़ को जब बताता हूँ तो बहुत ही डिटेल्ड में लेके बताता हूँ, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है. इसलिए मैं उन बच्चों के कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता जो कहते हैं कि काफ़ी लॉन्ग कट हो गया या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बिल्कुल डिटेल्ड में बताऊँगा तभी आप इस चीज़ को खुद से कर पाओगे. तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा. फ्रेंड जॉब की वजह से मैं बहुत सी वीडियोज़ कभी कभी कम डाल पाता हूँ या कभी 15 दिन भी हो जाता है, कभी मैं हफ्तों में भी ज़्यादा डाल पाता हूँ. तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे साथ है, बट मुझे पता है जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं. तो थैंक यू फ्रेंड्स. चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो में एक ट्यूटोरियल को सीख लेते हैं. तो आज हम चैनल इंट्रो बनाना सीखेंगे. तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि YouTube पे कोई भी वीडियोस अपलोड होती है तो स्टार्टिंग में 5 सेकंड की चैनल के नेम से एक इंट्रो होती है जो कि हमें बताता है कि चैनल का नेम क्या है. तो फ्रेंड आइए आज हम इस तरह के इंट्रो को बनाना सीखते हैं. बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी ये और आफ्टर इफेक्ट में बहुत ही बेहतर रिजल्ट है. तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन में जाएंगे और एक न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे और जो भी इसके डिफॉल्ट सेटिंग है उसके साथ हम ओके हिट कर देंगे. ठीक है, आफ्टर दैट हम एक बैकग्राउंड लेंगे. न्यू में जाके सॉलिड लिया मैंने, कुछ लाइट ब्लैक लेनी है. आप अपने हिसाब से अपना कलर चूज कर सकते हैं. मैं आपको बताने के ख्याल से मैं कुछ भी ले रहा हूँ, तो मैंने ये कलर ले लिया. उसके बाद सिंपली एक सर्कल लेना है हमें, एलिप्स टूल, और उससे मैं इसको देखिए ध्यान रहे कि इसको सिलेक्शन करके अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो मास्क ले लेता है, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा. और अगर मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ फिर मैं करता हूँ तो एक नई लेयर में वो बन के आती है. तो फिलहाल मुझे एक नई लेयर में एक सर्कल चाहिए. तो सिर्फ दबा के मैंने बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया है जो कि थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी है. और इसको भी मैं अपने हाथों से बीच में एडजस्ट करने से बेहतर है कि इसको मैं कहीं पर भी रख दूं और यहां से मैं अलाइन कर लूं अलाइन टूल से, तो ये बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल सर्कल बीच में आएगा. अभी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोगों के इस तरह से होंगे और ये बिल्कुल जीरो रहा होगा. तो उस समय हमें क्या करना है कि फिल्म में जाना है और इसको बंद कर देना है क्योंकि हमें कलर नहीं चाहिए. और स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक हम अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं. तो स्ट्रोक मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है फ्रेंड. और ऐड में जाना है और यहाँ पर हमें कर देना है ट्रिम पाथ. ट्रिम पाथ करते के साथ ही एक नया फीचर ऐड होकर आएगा और यहाँ पर हमें एक की लगानी है और इसकी जो वैल्यू है 100 को वो हमें जीरो कर देनी है. जीरो कर लेने के बाद 1 सेकंड 10 फ्रेम पे आके हमें इसकी वैल्यू 50 कर देनी है, जिससे ये हाफ सर्कल हमें बनता हुआ दिखेगा इस तरह से. और कुछ आगे बढ़ के वापस इसी कीज को कॉपी करके कंट्रोल वी कर देना है मुझे, ताकि ये इस दौरान वो बिल्कुल सेटल रहे. और आखिरी में जाएंगे इसी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो वो वापस फिर बैक चला जाएगा. लेकिन इस दौरान मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो एज है यहाँ पर ये काफ़ी हार्ड आ रही है. तो इसके लिए मैंने सेव प्लेयर क्लास में आप लोगों को बताई थी, पूरी क्लास दी हुई है कि आप यहाँ पर स्ट्रोक में जाएं और बट कैप को आप राउंड कैप कर दें. देखिए ये बहुत ही प्यारा हो जाएगा और ये इस तरह से फिर आपका बन गया. अभी क्या करना है हमें कि थोड़ी सी कीज़ के साथ हम खेलेंगे, तो ज़्यादा नहीं, ये आखिरी वाली नहीं, ये फर्स्ट वाली की को हम यहाँ पर असिस्टेंट में जाके इसको ईज एंड ईज कर लेते हैं और इस वाले ही आखिरी की को हम ईज एंड ईज में जाके यहाँ F9 कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन होगा. ये बिल्कुल स्लोली आएगा और ये इस तरह से चला जाएगा, राइट. तो अभी क्या करना है कि इसकी एक कॉपी लेंगे, कंट्रोल डी कर लिया हमने, और इस पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लेंगे. हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये जगह थोड़ा खराब कर दिया, तो वापस इसको अलाइन करेंगे. और ये देखिए बिल्कुल अलाइन है, ठीक है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है. वापस इस पर ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस बार इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे, तो फिर से चीजें खराब हो गई, फिर से हम इसको ठीक करेंगे और ये देखिए फिर से ठीक हो गया है, राइट. तो कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है. अब हमें क्या करना है,
इसको हम दोनों को ही पकड़ के टी दबाएंगे जिससे कि ओपेसिटी आती है, और इसकी वैल्यू करीबन 10 कर देंगे तो हमें बिल्कुल ये लाइट दिखेगा, राइट। इस तरह से अब इसके बाद हमें जो जरूरत पड़ेगी वह हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, यहां पर मैं क्लिक करूंगा और मैंने यहां पर एक लोगो लेके आना है, और इस लोगो को सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे ड्रैग कर देंगे जिससे हमारा ये एक प्रीकॉम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और हम इसके बाद यहाँ कॉम पे जाएंगे और ये जो कॉम बन गया इसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं लोगो, और इसको लोगो को उठा के हम यहाँ नीचे ले आएंगे, राइट। ये इस तरह से करेक्ट, ठीक है। साइज बड़ी है, कोई बात नहीं, हम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं और हम करीबन साइज इतना बड़ा कर लेते हैं इसके साथ, राइट। अभी ये कंप्लीट होने के बाद यहां पर मुझे ये सर्कल चाहिए, ये नेम चाहिए। तो अब सिंपल एक पॉपअप एनिमेशन करेंगे, अगर 25 का इसका हाईएस्ट फ्रेम है तो मैं यहां पर सबसे पहले इसको 0 रखूंगा। 0 से ये चीज बढ़ के अगर यहां पर करीबन 30 होती है और करीब यहाँ पर ये चीज़ 15 हो जाए, 15 नहीं बहुत कम है, 20 बहुत है, और वापस से यहाँ पर ये 28 हो जाए और फिर ये यहाँ पर 25 हो जाए। तो और इन सब को अगर हम यहाँ पर ईज इन ईज कर दें तो एक नाइस एनिमेशन हमें दिखेगा, राइट। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा फास्ट करना है, तो सारी कीज को पकड़ के ऑल्ट दबा के जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। एक शेप लेयर ले रहे हैं हम वापस से, और यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको हम दे देते हैं नाम लाइन, करेक्ट। ये लाइन देने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो एंकर पॉइंट को है वो नीचे ले आना है करीबन यहाँ पर। अगर आपको रिपीटर वाले क्लास में अगर याद हो तो हम उस रिपीटर का भी यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके ही एड में जाएंगे और ट्रिम पाथ में जाएंगे और यहाँ पर इसकी हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, और ये देखिए उल्टा जा रहा है, तो स्टार्ट को हम कम कर 100 कर देंगे, और जीरो वैल्यू देने के बाद करीब इसको हम देखिए यहाँ पर ये रहा, स्टार्ट 100 से होगा और यहाँ आके ये 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस दौरान ये जो एंड वाला पोजीशन है इसको भी हम साथ साथ चलाते चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके ये 100 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 करी है तो यहाँ इसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, हमारा ये चीज़ ऐसे ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, है ना। सब पे हम कीज को इज एन इज सेशन से ये कर लेते हैं, ये बहुत ही बेहतर हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर रिपीटर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ रिपीटर लगा देना है, राइट। और रिपीटर लगाने के बाद जो इसकी कॉपीज हैं उसको बढ़ा देना है, तो कॉपीज हम कर लेते हैं 15, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कॉपीज 15 हो गया, और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसकी जो पोजीशन है वो हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रोटेशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से रोटेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये एंकर पॉइंट हमें इसकी ठीक करनी है, राइट। रोटेशन हम जा रहे हैं, ये देखिए परफेक्ट है, परफेक्ट। तो इस तरह से अब हमारा ये सेट हो गया, तो अभी आप देखो ये कैसा दिख रहा है हमें, है ना। अब इसके भी हम क्या करेंगे, सारे ही राउंड कैप को हम वो कर लेते हैं, स्ट्रोक, है ना। ये देखिए राउंड कैप कर लिया हमने, और
अगर आपको इसकी ओपेसिटी मिलती है तो आप ओपेसिटी भी इसकी कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरे में ओपेसिटी लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, जो रिपीटर में लगाया ना, हमें उसकी ओपेसिटी चाहिए। तो आप देखिए, ट्रांसफॉर्म में आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए, स्टार्ट ओपेसिटी है ना, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 0, ठीक है। और यहाँ आते आते ये आपका 100 हो जाए, ठीक है। और जाते जाते यहाँ पर वापस से 0 हो जाए, है ना, कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो लेयर है इसको हम बंद करते हैं, और यहाँ पर तो ये खत्म हो ही रहा है, तो इसको काट लेते हैं। और ये जो हमने बनाया है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से रखते हैं और इसको लोगों के पीछे रखते हैं। तो ये जब आएगा तो इस तरह से, है ना, इसको ओवरऑल हम बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी पूरे को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखिए, इसके बाद हम ये जब कर लेते हैं तो एक हम सर्कल लेंगे, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ट्रिम पाथ लगाएंगे, ये इन पे लगाया, ठीक है। और 10 फ्रेम पे जाते जाते ये पूरा अपना जर्नी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसी दौरान स्टार्ट पे भी हम जाएंगे और ये अपना सफर पूरा करेगा 100 पे, और इसको हम यहाँ पर 0 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक सर्कल ट्रैवल होते हुए दिखेगा आपको, है ना। सारी कीज को हम इरेज कर लेते हैं। तो अभी अगर हम देख पा रहे हो, मैं इस सर्कल का कलर वाले को पर्पल कर देता हूँ और इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर पे रखता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैं सेंटर पे कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, ये चीज़ ऐसे घूम रही है, इसकी कॉपीज डालो। एक लेयर आगे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ओवरऑल इसको हम छोटा करते हैं, एक और कॉपीज डालते हैं, ठीक है। इसको और भी छोटा करते हैं, ठीक है। और हो सके तो इसकी वैल्यू भी थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। है ना, कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं ये चाहूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा उठ के, सॉरी ये नहीं, लोगो हमारा जो है ये यहाँ से उठ के ऊपर जाए। तो यहाँ ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा, बहुत बढ़िया ये है। और इसको हम इवन इज कर लेते हैं, ये हम टेंजेंट ब्रेक कर लेते हैं जिससे कोई भी वहाँ पर ब्रेक ना आए। ये इस तरह से आके ये यहाँ से, अब ये जैसे ही यहाँ पर ऊपर जाने वाला रहेगा, तो मैं यहाँ पर एक सिंपली टेक्स्ट लेयर लूंगा और टेक्स्ट लेयर पे मैं नाम लिखूंगा चैनल नेम। तो यहाँ पर ये जो चैनल नेम होगा वो हम देखें, वाइट ले लिया हमने, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसके हिसाब से हम लगाएंगे जो ऊपर जाने के बाद का जो पोजीशन है उसके हिसाब से,
तो इसको थोड़ा सा हम और बड़ा करना चाहेंगे, बस इतना काफ़ी है, ओवरऑल ठीक है ये। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, इसको 3D कर लेना है और सीन को भी 3D हम कर ही लेंगे। तो इसके 3D करते ही क्या होगा कि हमारे पास एक्सिस आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे देखिए, ये देखिए है ना, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट दिख रहा है, कब नहीं दिखेगा, एक पोजीशन आएगा जब नहीं दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिख रहा है तो उसके लिए एक सिंपली एक ऑप्शन बताता हूँ कि लेयर को हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, ये यहाँ से दिखना है तो ये टेक्स्ट को हम यहाँ कर लेंगे। अब ये ऊपर जब जाता है ऐसे, तो हम इसको कर देंगे वैल्यू को 0। ठीक है, लेकिन 0 ना करके हम थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएंगे इस तरह से, और फिर उसको सेटल डाउन करेंगे तो लगेगा जैसे कि टेक्स्ट सेटल हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए टेक्स्ट वाला पोर्शन दिखाता हूँ पहले आपको मैं, है ना। चलिए इसमें थोड़ा और फील चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेटल मत कराइए, और इस बार इसको थोड़ा अंदर की ओर ले जाइए। ठीक है, अंदर ले जाके अब फिर इसको सेटल करा दीजिए यहाँ पर, ये और भी बेहतर हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखिए है ना, और ये जो साथ साथ जो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है ना, तो उसमें पोजीशन की भी की लगाइए, ये यहाँ पर पोजीशन दीजिए, और जब ये टेक्स्ट ऊपर जाता है यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे, तो टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कीजिए और यहाँ लाके इसको सेटल कर दीजिए इसी की तरह। ठीक है, इसको फिर यहाँ पर जाइए और ईज एंड ईज कर दीजिए, और मैंने आपको बताया है कि अगर टेंजेंट आपको दिख रहा है तो टेंजेंट ब्रेक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर हम सारे लेयर को बंद कर दें तो हमारा एक चैनल का इंट्रो देखिए रेडी है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन वाला कीज थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप पोजीशन वाले कीज के साथ नहीं जाएं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये काफ़ी है ये चीज़ की। ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये इसी के लिए ये ठीक है कि वो बस ओपन हो रहा है तो ये उसको ऊपर ढकेल रहा है, तो ये काफ़ी है। ठीक है, तो फिट करते हैं और इंट्रो देखते हैं। तो इस तरह से हम घर में ही अपने से अपने आप से ही आफ्टर इफेक्ट में एक चैनल का इंट्रो हम बना सकते हैं। होप सो गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी तरह कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।